Hey guys, this is Sumit and welcome to my YouTube channel. अब आप में से कई सारे लोग YouTube Reels तो देखते होंगे, YouTube Shorts, Instagram Reels तो देखते होंगे और YouTube Shorts भी देखते होंगे एंड आप में से कई ज्यादा लोग तो उन्हें बनाते भी होंगे। तो जैसे मैं प्रॉब्लम फेस करता था, आप लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते होंगे ट्रांजिशंस बनाने में। अब कुछ सारे ट्रांजिशंस होते हैं जो हमें आराम से एक ऐप के थ्रू मिल जाते हैं, जैसे कि फेड आउट ट्रांजिशंस, ड्रॉप डाउन ट्रांजिशंस, बाउंस इफेक्ट एंड शेक इफेक्ट, वो सब हमें एक ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। बट ऐसे कई सारे ट्रांजिशंस होते हैं जो हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे कि ये चुटकी बजाने वाला ट्रांजिशंस। As an artist, you could turn a blank sheet of paper like this. It's just something like this. Crazy as an artist, you could turn a blank sheet of paper like this. It's just something like this. ब्रश रैप करने वाला ट्रांजिशंस, तो वो सब में मेरे जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते होंगे वो ट्रांजिशन बनाने में। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब ये वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जनरली दो वीडियोस बनाते हैं। एक पहला वीडियो जब हमारा एक ब्लैंक पेपर रहता है जिसमें हम चुटकी बजाते हैं, एंड देन सेकेंड जो वीडियो रहता है उसमें हम ऐसे करते हैं एंड हमारा जो ड्राइंग रहता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो इन जगह पे हम क्या करते हैं कि हम अपने हैंड को सेम पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं एंड हमारा जो ड्राइंग होता है उसे भी हम सेम जगह पे रखने की कोशिश करते हैं एंड देन ट्रांजिशंस को क्रिएट करते हैं दोनों को मर्ज करके। बट कई टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपने हैंड को सही पोजिशन पे नहीं रख पाते या फिर हमारा जो पेपर है वो सही जगह पे नहीं रहता जैसा पहले वीडियो में था या फिर जैसा पहले फ्रेम में था। तो इस जगह पे हमें प्रॉब्लम आती है ट्रांजिशन क्रिएट करने, बिकॉज वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं हो पाता है एंड वो इफेक्ट नहीं दिखता जब हम बीट पे ट्रांजिशन करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है जब हम दो वीडियोस बनाते हैं एंड उसमें दो अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम लोग इसको एक ही वीडियो में क्रिएट कर ले जिसमें कि हमारा जो फ्रेम है वो डिफरेंट हो ही ना, एक ही फ्रेम में हम ये एक बार करें एंड हमारा ट्रांजिशन होता है जैसा हम एक्चुअल वीडियो में देखते हैं, अगर वही चीज हम असली में कर पाए तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। उस टाइम पहले मैं कुछ और वीडियो पे वर्क कर रहा था एंड मैं जनरली वो ट्रिक का यूज करता हूँ एंड अचानक से मेरे को ये ट्रिक स्ट्राइक किया एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो विद यूजिंग दिस। मैंने एक वीडियो बनाया एंड उसका रिजल्ट एकदम रियलिस्टिक था एंड एकदम आसान था जो आप भी एकदम आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग उसको बनाने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का यूज करके। अब ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग एवेंजर्स जैसे मूवी तो देखते होंगे जिसमें बहुत सारे सीन होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप कर रहा है तो वो एक्चुअल में तो जंप नहीं कर रहा होता है, जंप कराते हैं उसे एनिमेशन जो क्रिएट करते हैं जो VFX आर्टिस्ट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्क्रीन। आप न्यूज रिपोर्ट्स देखते होंगे टीवी पे जिसमें कि उनके बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा सा स्टूडियो रहता है जिसमें कि टाइमलाइंस दिखाते हैं, न्यूज स्क्रॉल होते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में एक स्क्रीन ही रहता है, उतना बड़ा कोई स्क्रीन ना ही कोई टीवी रहता है, वो ग्रीन स्क्रीन रहता है जो एडिटर बाद में उसे एडिट करके वो चीज को प्लेस कर देता है। अगर मेरे पीछे अभी एक ग्रीन स्क्रीन लगा रहता तो मैं आराम से अपने इस बैकग्राउंड को हटा के मैं कहीं और ही जा सकता था, मतलब मेरा बैकग्राउंड को मैं कुछ भी डाल सकता था, कोई भी सीनरी, मैं पीछे एक फॉरेस्ट का सीन लगा सकता था, मैं पीछे एक डेजर्ट का या फिर मैं पीछे चांद पे जा सकता था। सो ये सारा क्वालिटी होता है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन को हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन से हम अपना बैकग्राउंड या फिर हम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसी मेथड का हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, इस ट्रांजिशंस एंड इस रील्स वाले ट्रांजिशंस को बनाने के लिए। सो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जब आप एक ग्रीन स्क्रीन यूज करो। अब ग्रीन स्क्रीन क्या है, कोई भी एलिमेंट जो ग्रीन कलर का हो आप उसको यूज कर सकते हो। अब वो एक पीस ऑफ क्लोथ हो सकता है या फिर पीस ऑफ पेपर हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस पीस ऑफ पेपर। ये एक A4 साइज का शीट है, तो आप जिस भी साइज का ड्राइंग का ट्रांजिशन बना रहे हो A4, A3, A2, आपको उस साइज का ग्रीन कलर का पेपर चाहिए या फिर ग्रीन कलर का पीस ऑफ क्लोथ चाहिए एंड ग्रीन भी ये कलर का ग्रीन, तो आप लोग गूगल कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन, तो आप लोगों को एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा, तो आप लोग उसका प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर आप लोग को मार्केट में इजिली आराम से ये कलर का पेपर मिल जाएगा A4 साइज का, A3 साइज का। एंड एक बात और का ध्यान रखना है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आपको कोई भी शेडो नहीं डालना है। जब हम ये करते हैं तो हमारा हाथ का शेडो उसके ऊपर पड़ सकता है, तो आपको अपने लाइट को उस हिसाब से सेट करना है कि आपका हाथ का शेडो उस पे ना पड़े। तो आप कोशिश करना कि आपका लाइट इस साइड से हो या फिर आपका लाइट इस साइड से हो,
ऊपर से कोशिश करना ना हो कि आपका जो हाथ का शैडो है वो आपके पेपर पे जाए, तो ग्रीन स्क्रीन पे आपको एक भी शैडो नहीं चाहिए, वरना आपको वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो अब करके दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे जाके एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक स्टैंड चाहिए होगा, कह सकते हो एक छोटा सा ट्राइपॉड या फिर कोई फोन होल्डर। अगर आपके पास सेल्फी स्टिक है तो आप उसको भी अच्छी तरह से प्लेस कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फोन होल्डर। सो हमें अपने फोन को फिक्स करना है अपने टेबल के ऊपर, जिससे कि हमारा जो ट्रांजिशन है हमें उसे स्मूथ बनाना है। तो वी डोंट वांट दैट कि हमारा फोन स्टेबल ना हो एंड हमारे वीडियोस में कुछ भी मूवमेंट हो। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने फोन को किसी भी ट्राइपॉड या फिर किसी भी मोनोपॉड और सेल्फी स्टिक और किसी भी तरह से हमें अपने टेबल पे अपने फोन को फिक्स करना है। तो फटाफट से पहले अपने फोन को फिक्स करते हैं इस फोन होल्डर का यूज करके। अब इसके ऊपर हमें अपने फोन को फिक्स करना है, तो जस्ट सिंपली वी विल पुट दिस फोन हियर एंड जस्ट। सो अब जब हमें अपने फोन को फिक्स कर दिया है, सो हमारा फोन का एंगल कुछ इस तरह से। अब हमें चाहिए टोटल तीन शीट। सबसे पहला शीट तो हमें चाहिए एक ग्रीन पेपर। अब ग्रीन पेपर आप लोग जिस साइज का आपका ड्राइंग होगा आप लोगों को उसी सेम साइज का ग्रीन पेपर लेना है। अब वो ग्रीन पेपर आप A4 साइज में ले सकते हो, A3 साइज में ले सकते हो, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने से आपको एक ध्यान देना है कि जो ग्रीन पेपर है उसके ऊपर आपका हैंड का शैडो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, तो आप अपना लाइट उस हिसाब से सेट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि मेरा जो भी हैंड का शैडो है वो ग्रीन पेपर के ऊपर एकदम भी नहीं पड़ रहा है। सो हमें पहला पेपर चाहिए था ये ग्रीन पेपर एंड जो सेकंड पेपर चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस आर्टवर्क। सो दिस आर्टवर्क इज द सेम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सिमिलर टू दिस पेपर्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो ये पेपर बेसिकली A4 शीट है एंड देन हमें सेम चाहिए ये एक सेम व्हाइट शीट जिसपे हम ट्रांजिशन इससे हम इस पे ट्रांजिशन करने वाले हैं। सो ऑल दीज थ्री पेपर शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ब्रेथ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिशन। सबसे पहले आपको ग्रीन शीट को अपने पेपर के ऊपर प्लेस करना है। ग्रीन शीट को आप जब भी प्लेस करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रीन शीट है उसको आपको मूव नहीं करना है। सो अब वीडियो शुरू करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना जो कैमरा है मतलब मोबाइल फोन उसका हमें फोकस को लॉक करना है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्क्रीन का जो ऑटो फोकस है आप उसे लॉक कर दो। सो देखो यहाँ पर लिखा रहा है ऑटो फोकस एंड ऑटो एक्सपोजर लॉक्ड। सो आपको वो लॉक करना है देन आपको वीडियो शुरू करना है। सो ये वीडियो शुरू हो चुका है एंड देन हमें अपना ट्रांजिशन करना है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस ट्रांजिशन। सो जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लाके तो ये हमें कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें वीडियो को बंद नहीं करना, वीडियो सेम इसी तरह से चलते रहेगा। हमें एक वाइट शीट लेना है जो सेम उसी साइज का हो, देन हमें उसे इस ग्रीन पेपर के जस्ट ऊपर प्लेस करना है। Then just leave this video for at least 2 seconds. अब हम क्या करेंगे इस पेपर को हटा के हमारा जो फाइनल आर्टवर्क है जिसमें हम फाइनल ट्रांजिशन करने वाले हैं उसको हम इसमें एकदम परफेक्टली प्लेस करेंगे एंड देन इसको भी हमें 2 सेकेंड के लिए छोड़ना है कम से कम। नाउ इट्स डन, हमें बस इतना ही वीडियो शूट करना था। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने फोन में प्ले स्टोर खोल लेना है एंड हमें काइन मास्टर सर्च करना है एंड देन यू हैव टू डाउनलोड इट। सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड, सो आई एम गेटिंग ऑप्शन टू ओपन इट। सो हम उसे ओपन करेंगे एंड देन वी विल सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो। सो हमें 19:16 पे सेलेक्ट करना है। अगर हमें रील्स या फिर कह लो यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर वीडियो अपलोड करना है सो हमें 19:16 का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। आप 16:9 का भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड 1:1 का भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में अपना वीडियो को क्रिएट किया है उसमें वो सेलेक्ट करना है। तो हमने 9:16 में किया है तो हम इसे ओपन कर लेंगे। देन वी विल गो टू द कैमरा फोल्डर एंड वी विल सेलेक्ट आवर फाइल। सो बस हमारा इस फाइल को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। तो हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें उसे डिलीट करके ट्रिम करके हटा देना है। सो वी जस्ट डिलीटेड द एक्स्ट्रा पार्ट एंड देन अब हमें क्या करना है, हमारा जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो पार्ट था मतलब ग्रीन पेपर वाला पार्ट था उसे हमें एज अ लेयर क्रिएट कर लेना है। सो एट द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ ऑप्शन टू क्रिएट अ लेयर। सो हियर वी विल डुप्लीकेट एज अ लेयर, देन हमें एक लेयर मिल जाता है। देन हम इस लेयर को शिफ्ट कर देंगे, डिलीट आर मीडिया फाइल ऑफ द ग्रीन स्क्रीन। सो अब हमें इसे इस साइड शिफ्ट करके लाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द लेयर एंड देन हमें क्या करना है कि हमें इसे सेट करना है हमारे एग्जैक्ट पेपर हमारे एग्जैक्ट स्क्रीन के साइज एंड देन इन द राइट हैंड साइड कॉर्नर यू कैन सी अ ऑप्शन ऑफ क्रोमा की द थर्ड ऑप्शन। यू हैव टू गो देयर एंड इनेबल दैट।
अब जैसे इनेबल करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसे शो मास्क एक बार ऑफ करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जो ग्रीन वाला जो एलिमेंट था, जो ग्रीन पेपर था, वो हमारे वीडियो से एकदम गायब हो चुका है। सो वी कैन सी अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ इट। सो राइट हैंड साइड में हमें जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम उसे थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे हम थोड़ा सा शार्प बना लेंगे, जिससे कि हमें एक क्लियर लुक मिल जाए। सो बाय एडजस्टिंग दैट आप देख सकते हो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज अ सो इन द कॉर्नर राइट हैंड कॉर्नर वी गेट अ ऑप्शन ऑफ शो मास्क। सो इसे हम क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट दिख रहा है एंड कौन सा एलिमेंट नहीं दिख रहा है। सो आप लोग देख सकते हो कि जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज सम डिफरेंट कलर। जो ब्राउन का हमारा हैंड का कलर था एंड जो टेबल का कलर था वो व्हाइट हो चुका है, एंड जो ग्रीन वाला एलिमेंट था विच हैज़ टर्न्ड इनटू अ ब्लैक इमेज। सो ब्लैक का मतलब है ट्रांसपेरेंट। सो अब हम जो ब्लैक वाला पार्ट है उस पर हम कुछ भी पुट करके अपने वीडियो को कम्प्लीट कर सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल हो चुका है। सो हम इसे टिक कर देंगे ऊपर में। अब बस हमारा वीडियो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका, अब बस हमें उसे उस जगह पे सेट करना है जहाँ पर हमारा ड्राइंग का ट्रांजिशन हो रहा है। तो दिस इज अ वाइट शीट, सो वी विल ट्रिम द एक्स्ट्रा एलिमेंट। सो अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर हमारा ये जब हम ट्रांजिशन चाहिए, मतलब सेम इस वाले जगह पे, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम हमारा फाइनल ड्राइंग को लाके प्लेस करेंगे एंड देन जस्ट ट्रिम द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो अभी हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ट्रांजिशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसे हम सेट कर लेते हैं। दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। अब हम लेस्ट रिमेनिंग पार्ट को ट्रिम आउट कर देंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन ट्रिम एंड नाउ वी गेट अ फाइनल वीडियो ऑफ आवर इट। तो हम इसे फाइनली बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दिस इज द वीडियो एंड लेट्स प्ले इट। सो अगर आपको अपने वीडियो का अगर आपको कलर ग्रेडिंग करना हो, अगर आपको कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अभी ना करो, आप अपने पहले इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लो। बिकॉज अगर आप कलर अगर थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करोगे एंड जो हमारा ग्रीन कलर है अगर वो एक्चुअल ग्रीन में ना फॉर्म हुआ देन इट कैन इफेक्ट आर वीडियो। सो हम पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेते। तो अबव राइट हैंड कॉर्नर हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पर हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो वी विल चूज आर फाइल। सो हम फुल HD में ऑन 30 FPS इन हाई रिजोल्यूशन हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो आर वीडियो इज एक्सपोर्टेड। अब हमें जब अगर कलर ग्रेडिंग करना है देन वी कैन जस्ट सिंपली हम फिर से बैक स्क्रीन में आ जाएंगे। देन वी विल अगेन गो टू एड मेनू, देन 19:16 का रेशियो, देन वी विल गो टू एक्सपोर्ट एंड ओपन दिस फाइल। सो ये जो हमारा फाइल है अभी आप देख सकते हो कि हमें इसे आगे थोड़ा सा कट करना होगा, बिकॉज हाँ अभी यहाँ से सही है। अब हमें जब इसे कलर ग्रेडिंग करना है देन वी कैन जस्ट गो टू एडजस्टमेंट एंड यहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से सैचुरेशन एंड ऑल यू कैन इंक्रीज देयर। ब्राइटनेस हम थोड़ा सा रहने देते हैं, कॉन्ट्रास्ट इज ओके, इंक्रीज सम सैचुरेशन। सो या Now it's perfect. Now let's play and see it. Perfect. Yeah, so our video is ready with a smooth transition. तो हम इसे वापस export कर लेंगे. Yeah, 30 frames per second, full HD in a high quality export. Done. Isn't it crazy? As an artist, you could turn a blank sheet of paper like this. It's just something like this. So guys, I hope this video helped you. अब मैं एक आप लोगों को आखिरी में कंक्लूजन दे दूं, जो आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना जब आपकी वीडियो एडिट करो। पहला स्टार्टिंग मैंने जैसे बताया था, आपके पेपर में कोई पैचेस नहीं होने चाहिए, आपका जो ग्रीन पेपर है उसके ऊपर कोई शेडो नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने फोन को फिक्स करना है, उसे अपने फोन को हिलाना नहीं, आप उसके लिए कोई भी सेल्फी स्टिक, कोई भी ट्राइपॉड, कोई भी मोनोपॉड, कोई भी फोन होल्डर का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको छोटा सा समरी दे दूं एडिटिंग का,
तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप एडिटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट है उसको आपको एज अ लेयर यूज करना है। एंड इसको मैं मोबाइल पे ही रखने की कोशिश की, आप लोगों को इससे एक बेनिफिट मिल जाएगी। आप लोगों के पास मोबाइल सबको के पास जरूर होगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड मैं बोल रहा था कि आप जो ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट होगा उसको आप लेयर रखने की कोशिश करना, एंड जो हमारा जो बेस होगा मतलब जो व्हाइट शीट एंड जो फाइनल स्केच वाला जो वीडियो है उसे आप कोशिश करना कि वो आपका बेस लेयर एज अ मीडिया लेयर हो, एंड ग्रीन स्क्रीन वाला वो हमारा फर्स्ट लेयर हो। देन आपको जो ग्रीन स्क्रीन वाला है उस पर आपको क्रोमा की का अप्लाई करना है। अब क्रोमा की को एडजस्ट करना है आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, एंड देन यू विल गेट द फाइनल इफेक्ट। उससे आपका ग्रीन स्क्रीन एकदम वैनिश हो जाएगा एंड यू विल गेट अ स्मूथ ट्रांजिशन जस्ट थोड़ा सा कट पेस्ट करके। सो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था। इसको आप और कई सारे आप अपने ट्रांजिशंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग ट्रांजिशन क्लैप करके वीडियो चेंज कर सकते हो, ब्रश वाला ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई डाउट हो इन सब ट्रांजिशन वगैरह से रिलेटेड, अगर आपको और कोई नया ट्रांजिशन का कोई ट्रिक जानना हो, कोई नया ट्रांजिशन में अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डे। अगली ऐसी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।